नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आजमगढ़ पुलिस ने मोबाइल चोरी गैंग का पर्दाफाश करते हुए 26 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आजमगढ़ थाना कोतवाली को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, मोबाइल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें 5 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं अभी 2 पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। यह मोबाइल चोरी गैंग छिनैती करके कम दामों में मोबाइल बेचा करता था मार्केट में। मोबाइल चोर जो कि चोरी की मोबाइल को चोरी कर व्यक्तियों को कम दाम में बेचने का काम करते हैं। इनके पास से पुलिस ने 26 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। इस संबंध में आजमगढ़ के एसपी सुधीर कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। एक मोबाइल चोर गिरोह पकड़ा गया है, जिसके 5 मेंबर्स गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से 26 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनमें से 3 मोबाइल कनेक्ट हो गए, यानी कि 3 मुकदमों से वो कनेक्ट हो गए हैं और उसके वादी भी मिल गए हैं। तो ये एक अच्छा काम है, क्योंकि लगातार मोबाइल चोरी की घटनाएं हो रही थी और इसे हमने सर्विलांस पे लगा रखा था और सर्विलांस के माध्यम से ही ये 5ों के 5ों जो चोर हैं वो पकड़े गए हैं। इससे निश्चित रूप से जो मोबाइल चोरी की जो घटनाएं हैं शहरी क्षेत्र में और देहात के क्षेत्र में रोकने में इसमें मदद मिलेगी। सर, दुकान से चोरी का मामला है या फिर चलते लोगों नहीं, ये दुकान से चोरी का मामला नहीं है। इन्हें जहाँ मौका लग जाता है, चाहे वो किसी जेब से पार करने वाला हो, चाहे राह चलते हो, चाहे ये कहीं बैंक वैंक में कोई फोन रखे हो, उस ढंग के जो भी फोन रखे रहते थे, जो हाथ सफाई वाला जो मामला है चोरी वाला, वो ये सब लोग क्या करते थे। अब तक सर कितनी बार ये लोग चोरियां कर चुके होंगे? देखिए, ये अभी इनकी जो चोरी 26 मोबाइल तो बरामद हो गए हैं और इनके द्वारा करीब 150-200 मोबाइल बताया गया कि ये अब चोरियां कर चुके हैं। तो अभी बाकी सारे की कनेक्ट हो रहे हैं और कुछ मोबाइल के बारे में इन्होंने बताया कि ये उसके पुर्जे करके और दिल्ली वगैरह बेच आते हैं। सर, क्या इनका पूरा गैंग है? हाँ, इनका पूरा गैंग है। अब इनके कुछ मेंबर्स बाकी हैं और जब वो मेंबर्स पकड़े जाएंगे तो इनसे और मोबाइल की रिकवरी होगी। ठीक सर।